आई एम सॉरी लिटिल वन, लेकिन मुझे आज ये कंटेंट के लिए करना पड़ेगा। अब मैं कंटेंट ही नहीं बनाऊंगा तो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करेंगे और फिर मुझे पैसा कैसे मिलेगा? तो आज तो तुम लोग को कुर्बानी देनी पड़ेगी। एंड इससे पहले तुम लोग कमेंट सेक्शन में बैड डीपी लिखना चालू कर दो, मैं बता दूं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो आज हम लोग माइनक्राफ्ट में अपग्रेड कर सकते हैं एक्सलॉट को, एंड ये अपग्रेडेड एक्सलॉट हम लोग को देंगे कुछ खतरनाक कस्टम ओपी पावर्स। इसीलिए तो दिल पे कॉबल स्टोन रख के मुझे इन्हें टपकाना पड़ा। और सबसे पहले इसे अपग्रेड कर सकते हैं क्राफ्टिंग टेबल एक्सलॉट में। तो क्राफ्टिंग टेबल तो है मेरे पास, बस एक स्मिथिंग टेबल बनाना पड़ेगा, एंड उसके लिए तो सब कुछ मेरे पास नहीं है, पहले वुड चाहिए होगा। ओके, अब सब कुछ हो गया। तो स्मिथिंग टेबल तो शायद मुझे पता है कुछ इस तरह नहीं बनता है। कम ऑन इपिक, अपना दिमाग लगाओ। तो ओके, स्मिथिंग टेबल ऐसे बनता है। तो फाइनली हम लोग अपग्रेड कर पाएंगे अपना पहला एक्सोलॉट, और उसके लिए पहले मुझे चाहिए होगा एक क्राफ्टिंग टेबल, एंड उसके बाद ये एक्सोलॉट को डालना है यहाँ पे, एंड ये क्राफ्टिंग टेबल को डालना है यहाँ पे, और ये बन गया क्राफ्टिंग टेबल एक्सोलॉट। क्लिक हिम टू राइड। भाई ये घोड़ा है क्या जो इसे मैं राइड कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई करने दो। तो करना क्या, इसे फेंकना है क्या? ओके गाइज, तो ये देखो, ये रहा हमारा क्राफ्टिंग टेबल एक्सोलॉट, देखने दो। तो मैं इस पे बैठ के, ओ भाई सही में ये घोड़ा निकला। ये देखो, ये घोड़े जितना तेज दौड़ पाता है या फिर उससे भी फास्ट। ओ भाई, ये बड़ा कूल लगा मुझे। ये देखो, टिकड़िक चल बड़े घोड़े, टिकड़िक टिक। अरे भाई, ये तो लॉन्ग जंप भी मार पाता है भाई। ठीक है, एक्सोलॉट बैठे आराम से आराम से। अरे ऐसे तो मैं टपक जाऊंगा, वैसे डैमेज तो हो रहा है मुझे, लेकिन ये बड़ा ही फास्ट है। ओ भाई, ये देखो, इसने इसे धक्का मार के उड़ा ही दिया। लॉल, क्या तगड़ा स्पीड है। ये देखो, वन शॉट में ये लोग टपक जाते हैं। ओए चलो हटो, मेरे फेरारी के सामने मत आओ। भाई ये पहला वाला एक्सोलॉट ही इतना खतरनाक है, पता नहीं बाकी के एक्सोलॉट कितना खतरनाक होगा। तो चलो अब हम लोग क्राफ्ट कर सकते हैं कॉबल स्टोन एक्सोलॉट। अरे यार, मैंने अपना सारा कॉबल स्टोन क्यों फेंक दिया था? रुक जा, यहाँ पे तो इतना सारा कलेक्ट करने दो। मैं तो आज ऐसे बैठे बैठे काम करने वाला हूँ ना, उतरना ही नहीं है मुझे। भाई क्यों उतरू, फायदा क्या है उतरने का? ओ रुक जा, इसे शायद What the hell, ये टपक गया। अरे यार, मेरा प्यारा एक्सोलॉट टपक गया। गाइज, 1 like = 1 RIP एक्सोलॉट। इस बंदे ने पक्का लाइक नहीं मारा होगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, लाइक क्यों नहीं मारते बताओ? लाइक मारना चाहिए ना। ओके, तो अब हम लोग फाइनली अपना अगला एक्सोलॉट भी अपग्रेड कर सकते हैं, एंड उसके लिए मुझे बस ये करना पड़ गया, और ये बन गया ओलिया स्टोन एक्सोलॉट। अरे नहीं, ये ओलिया स्टोन नहीं, कॉबल स्टोन एक्सोलॉट है। तो देखने दो इससे क्या होता है। एंड ये बंदा, ओके, ओ भाई लेट्स गो, ये तो नेचुरल लिफ्ट हो गया। ये देखो, मैं ऑलरेडी इतना नीचे आ भी गया हूँ। चलो देखा जाए ये बंदा कितना नीचे तक जाएगा। A few minutes later. अरे भाई, ये बंदा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, नीचे जाता ही जा रहा है। पैरों में दर्द हो जाएगा तुम्हारे। ओ लेट्स गो, हम लोग को फ्री में डायमंड भी मिल गया भाई। सही है। अरे नहीं, ऊपर भी डायमंड है, वो छोड़ना नहीं था। कमॉन, रुक जाओ ब्रो, नीचे नहीं जाओ, ऊपर डायमंड था। नहीं, ये बंदा तो रुकेगा ही नहीं, तो माइनिंग करते हैं जाना। वेट से, क्या ये बेडरॉक को भी तोड़ देगा क्या? ओके, देखना पड़ेगा। ओ नो, ये सच्ची में बेडरॉक को तोड़ देता है भाई। ये देखो, सारा बेडरॉक उड़ा दिया इसने। अभी तुम्हारा भाई ऑलमोस्ट टपक ही जाता, वो तो अच्छा हुआ मैंने अपना पेरोनेस दिखा के खुद को बचा लिया। ओके गाइज, ये कॉबलस्टोन एक्सोलॉट तो खतरनाक निकला, इतना ज्यादा कि मैं ऑलमोस्ट टपक ही गया था। लेकिन चलो अब हम लोग क्राफ्ट कर सकते हैं अपना अगला एक्सोलॉट, जिसके लिए मुझे मेलन चाहिए होगा, और वो तो जंगल बायोम में मिलता है, इसीलिए मैंने जंगल बायोम ऑलरेडी ढूंढ रखा था। तो लेट्स गो, चला जाए थोड़ा सा मेलन ढूंढने। मेलन ब्रो, वेयर आर यू? मेलन खाओ, खुद जान जाओ। पता नहीं मैं क्या क्या डायलॉग मार रहा हूँ, बट मेलन यही कहीं होना चाहिए, देखने दो। जंगली बायोम में मिलता है ना मेलन, नहीं पम्पकिन मिल गया। भाई पम्पकिन नहीं चाहिए, मेलन चाहिए मुझे। मेलन ब्रो, आई केम टू से यू हेलो। अरे यार, ये मेलन क्यों नहीं दिख रहा कहीं पे? मानता हूँ वाटरमेलन मेरा इतना भी फेवरेट फ्रूट नहीं है, बट फिर भी ओके, लेट्स गो। मिल गया, एक मिल गया। ओ भाई, ढेर सारे यहाँ पे। आ जाओ, सब कलेक्ट कर लेता हूँ, बट फिर भी तुम मेरा फेवरेट फ्रूट नहीं हो, वो तो कुछ और ही है। तो चलो अब फाइनली मेलन एक्सोलॉट को भी बना लिया जाए। वैसे थोड़ा अजीब नहीं हो गया मेलन एक्सोलॉट, बट मुझे क्या, चलो ये भी बन गया। तो अब देखा जाए इससे क्या होता है। गिव 10 मेलन्स टू द मेलन एक्सोलॉट। ले लो, 10 क्या, जितना है सभी ले लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसे होगा क्या, ये देखना पड़ेगा। थैंक्स ट्रैवलर, हियर्स योर गिफ्ट। ओके, इसने मुझे कुछ गिफ्ट दिया। अरे घंटा कुछ नहीं दिया, अच्छा ये दिया। ये देखो, ये क्या अजीब गरीब चीज दे दिया भाई। ओके
ओके ये शायद किसी तरह का गन है। ये देखो, ओ माय गॉड भाई साहब, ये खतरनाक चीज मिल गया मुझे, इसका मुझे संभल के यूज करना पड़ेगा। बट ये देखो, इससे हम लोग तगड़ा वाला माइनिंग कर सकते हैं भाई। सही है, वैसे भी मुझे डायमंड ये सब तो चाहिए ही था। देख रहे हो, एक बार में मैंने ये पूरा एरिया ही साफ कर दिया। आ मम्मी, ओके चलो नीचे पानी था, जिंदा बच गया। बट गाइस, अब डायमंड ढूंढना तो बच्चों का खेल हो जाएगा। मुझे अगला एक्सोलॉट अपग्रेड करने के लिए डायमंड ब्लॉक चाहिए, जिसमें से मेरे पास 4 डायमंड ऑलरेडी है, तो बस अब मुझे 5 डायमंड और चाहिए, फिर हम लोग बना पाएंगे डायमंड एक्सोलॉट। पता नहीं वो क्या खतरनाक पावर देगा मुझे। अभी तक तो सारे एक्सोलॉट ने एक से एक धमाकेदार पावर दिया है, खासकर ये मेलन वाला, ये तो कुछ ज्यादा ही धमाकेदार निकला। देखने दो, क्या मैं इसे ज़ॉम्बीज को भी टपका सकता हूँ? ओ भाई सही है, ये देखो मैं इसे ज़ॉम्बीज को भी टपका सकता हूँ, या फिर नहीं 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 मैं ज़ॉम्बीज को नहीं टपका सकता। अरे यार, ये मॉब्स पे भी अटैक करता ना तब मजा आता। एंड वो देखो वहाँ पे डायमंड था, मैंने देख लिया। चलो तो हम लोग को डायमंड भी मिल गया, तो फटाफट अगला एक्सोलॉट भी अपग्रेड। ओके इधर भी 1.5 डायमंड है, चलो सही है। A little longer than a few minutes later. तो फाइनली मैंने 9 डायमंड कलेक्ट कर लिया है, तो चलो पहले इसका बना लिया जाए ब्लॉक ऑफ डायमंड, एंड इसके बाद अपग्रेड किया जाए अपने एक्सलॉट को। एंड ये बन गया हमारा डायमंड एक्सलॉट, तो देखा जाए ये बंदा क्या करेगा। तो कम ऑन कुछ करो भाई, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। हेलो ब्रो कुछ, ओ नो, मैं बेकारी खुश होने लगा, मुझे लगा अनलिमिटेड डायमंड दे दिया, लेकिन ये तो 10 दे के टपक गया। अरे यार, तो फिर डायमंड एक्सलॉट का फायदा क्या? डायमंड ही चाहिए था, तो फिर मैं इसका यूज ना करूं? इससे डायमंड क्या, दुनिया का हर एक रिसोर्स मिल जाएगा इससे। देख रहे हो क्या तबाहीदार चीज है, कोई ना। तो चलो अब अपग्रेड किया जाए अगला एक्सलॉट को, और उसके लिए मुझे बस एक वाटर बकेट चाहिए होगा, और फिर मुझे इस एक्सलॉट को कंबाइन करना होगा इस वाटर बकेट से। ये बन गया हमारा वाटर एक्सलॉट। तो हेलो भैया, तुम मुझे धोखा मत देना, लुक अप। ओके व्हाट द हेल, ओ भाई ये क्या आ गया? ओके ये थोड़ा कुछ खतरनाक मिला, ये क्या गोल चकड़ी जैसा मिल गया मुझे। तो देखने दो ये क्या है भाई, मल्टी ट्राइडेंट। ओके एंड ओ ओ ओ भाई साहब, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक निकला। ये देखो, इसकी मदद से हम लोग अनलिमिटेड ट्राइडेंट फेंक सकते हैं, ये भी कुछ ज्यादा ही ओपी चीज मिल गया, और शायद मेरा थोड़ा स्पीड भी बढ़ गया, अब आएगा मजा। और ये देखो रात भी हो गया है, तो ये देखो। अरे यार, इससे ज्यादा कुछ डैमेज होता नहीं है, मुझे लगा ये बवाल मचा देगा, लेकिन ये तो वेल ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे पास ये मेलन शूटर तो है, इससे मैं इन लोगों को फॉल डैमेज दे दे के ही टपका डालूंगा। ये लो, चलो अब कोई नहीं बच पाएगा यहाँ मुझसे। अरे यार, मैं खुद नहीं बच पाऊंगा खुद से, इसकी प्रॉब्लम यह है कि मुझे इसे बहुत ही ज्यादा दूर से मारना पड़ता है, नहीं तो मुझे भी फॉल डैमेज हो जाएगा। ये देखो, हाँ अब सही है, अब कोई बंदा मेरे से बचेगा नहीं। तो आ जाओ, किसे पंगा लेना था मुझसे, आ जाओ, तुम्हारा भाई सबको टपका देगा। तो भाई साहब, ये मेलन शूटर तो बड़ा ही खतरनाक है, ये ट्राइडेंट भी सही है, बस कूल लगता है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा डैमेज होता नहीं। और ये रहा आज का हमारा फाइनल एक्सलॉट, तो देखा जाए ये क्या करेगा। अरे यार, मुझे लगता है ये भी यूजलेस। नो, ये कौन आ गया? लगता है मैंने इसके भाइयों को टपका दिया, इसीलिए ये मुझसे बदला ले रहा है। देखो भाई, वो कंटेंट के लिए मैं कर रहा था, कोई जानी दुश्मनी नहीं थी मुझे उनसे। हमको सिखा रहा है। अरे इस ट्राइडेंट से तो इसे डैमेज भी नहीं होता, व्हाट द हेल, ये किस बंदे से अब मेरा पाला पड़ गया। कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई इसे भी टपका देगा। चल बेटा निकल, बड़ा आया मुझसे बदला लेने वाला, ये ले तुम्हारी ऐसी की तैसी। अरे इसे डैमेज क्यों नहीं हो रहा? कम ऑन ब्रो, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, जब दो बड़े बात करते हैं तो बीच में बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो आई थिंक सो इसकी बोलती बंद हो चुकी है, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं रहा। ओके गाइस, तो आई थिंक सो ये बंदा मुझसे डर गया है, इसीलिए मुझसे फाइट ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी डरना भी जरूरी है। तो चलो इस डरफोक को इग्नोर मारते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।